हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास फोर साइंस, चैप्टर नंबर फोर, फूड मेकिंग इन प्लांट्स. स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाय ग्रीन प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीव. हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से प्लांट अपना खाना बनाते हैं और एक लीव का क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, इसके लीव में क्या क्या पार्ट्स होते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेचर ऑफ फूड मेड इन अ लीव. फूड ऑफ द प्लांट इज प्रिपेयर बाय देयर लीव्स. द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम, फ्रूट्स एंड सीड. हमें पता है कि लीव्स जो है उन्होंने, वो क्या है, फूड फैक्ट्री है, किचन है प्लांट्स का. उन्होंने क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल के की हेल्प से क्या किया, खाना बनाया. और जो खाना बना वो क्या था, स्टार्च है, शुगर था. अब जितना फूड लीव को जरूरत थी वो फूड उसने यूज़ कर लिया. बाकी जो फूड है वो स्टोर हो जाता है उसके डिफरेंट पार्ट में. कौन कौन से पार्ट में, रूट्स में, ब्रांच में, लीव्स में, ठीक है, फ्रूट में, फ्लावर में, वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. और आपको पता है किसी भी प्लांट्स के यही पार्ट्स जो हैं एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग भी. हम भी एनिमल्स की उसमें आते हैं, हम भी या तो कोई किसी प्लांट की क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं, किसी प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं. तो ये जो फूड है प्लांट्स का वो स्टोर हो जाता है इन पार्ट्स में. Now let us perform an experiment to test the presence of starch in the leaves. This test is called starch test. अब हमने बोला प्लांट जो है अपना खाना जो है स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, उसके पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो गया. अब एक टेस्ट है कि भाई स्टार्च है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए एक स्टार्च टेस्ट है. तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इस स्टार्च टेस्ट को पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्या करते हैं, हम एक पत्ता तोड़ लेते हैं, ठीक है, अब उसको पानी में बॉयल करते हैं. पानी में क्या करते हैं, बॉयल करते हैं. फिर उसके बाद उसको लेते हैं अल्कोहल, उसमें बॉयल करते हैं, जिससे क्या हो, क्यों बॉयल करते हैं, जिससे उसका क्लोरोफिल है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए. अब उसको हम क्या करते हैं, एक उसको हम ले लेते हैं किसमें, एक स्लाइड के ऊपर ले लेते हैं. अब उस स्लाइड्स पे हम क्या डालते हैं, स्लाइड कह सकते हो आप उसको, और या उसको कह सकते हो डिश टाइप होती है उस पर, पैट्री डिश जो है उस पर रख लेते हैं, ठीक है. कांच की एक कटोरी छोटी सी आती है, लैब में काम में आती है, उस पर रख लिया. अब उस पर क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला. क्या डाला, आयोडीन का सॉल्यूशन डाला. यदि वो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद वो लीफ का जो कलर है वो वॉयलेट हो जाता है, ब्लू ब्लैक या वॉयलेट कलर का हो जाता है, ठीक है ना. वॉयलेट कलर कौन सा होता है, बैंगनी कलर, उस कलर का हो जाता है. इट मींस उस लीफ में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है. उस लीफ के अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है. और यदि वो येलो हो जाता है तो इट मींस उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का कि स्टार्च है कि नहीं. अब देखते हैं स्टार्च टेस्ट कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल द प्लांट लीफ इन वाटर फॉर 5 to 10 मिनट. नाउ बॉयल द दिस लीव्स इन एल्कोहल. पहले तो क्या किया, 5 to 10 मिनट लीव को लिया और उसको पानी में बॉयल किया और फिर उसको एल्कोहल में बॉयल किया. दस द क्लोरोफिल वॉशेज अवे फ्रॉम द लीफ एंड द लीफ बिकम कलरलेस. अब उसमें से क्लोरोफिल हट जाएगी और लीफ कैसी हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी. पहले किस कलर की थी, ग्रीन, अब कलरलेस हो गई. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकलराइजेशन ऑफ द लीफ. और ये क्या कहलाता है कि डीकलराइजेशन, मतलब कलर को खत्म कर दिया लीफ के. नाउ कीप दिस डीकलराइज्ड लीफ इन ए पैट्री डिश एंड पोर सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. एक पैट्री डिश, मैंने बताया कि कांच की एक छोटी सी क्या होती है, बाउल टाइप की होती है, तो वो ले ली, लैब में यूज करते हैं ज्यादातर, और उस पर क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन को डाला. इट मेक द लीफ कलर वॉयलेट. और कैसा हो जाएगा, लीफ का कलर वॉयलेट कलर का हो जाएगा. इट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ. ये क्या पता लग रहा है इसे कि स्टार्च प्रेजेंट है लीफ में. कॉन्टेररली इफ द लीफ बिकम येलो इट शो द एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ. और यदि
क्या होता है, येलो हो जाता है, वॉयलेट नहीं होता, येलो हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसका एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, मैं आपको बुक में नहीं है फिर भी, कि हम क्या करें, राइस को हमने बॉयल किया, ठीक है, उन बॉयल राइस को क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, बॉयल राइस को डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, फिर दूसरे बॉयल राइस को हमने क्या किया, च्यू कर लिया, हमने जीभ से मुंह में उसको चबा लिया, और फिर जो चबाने के बाद वो उसको चबाने के बाद क्या किया, वापस से उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। हमारा जो मुंह में स्लाइवा होता है वो क्या करता है, स्टार्च को चेंज कर देता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उस जो हमने बॉयल राइस लिए थे उसमें अब क्या है, स्टार्च नहीं रहता है चबाने के बाद। अब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन जो केवल बॉयल राइस थे जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है वहाँ तो वॉयलेट कलर का हो जाएगा, और जहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है जो कि हमने च्यू करके डाले, चबाने के बाद डाले बॉयल राइस टेस्ट ट्यूब में, उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो ही रहेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है आयोडीन टेस्ट है, इसको स्टार्च टेस्ट बोलते हैं, कि आयोडीन यदि वॉयलेट कलर का हो जाता है किसी चीज़ पर डालने पर तो वह उस चीज़ पर स्टार्च प्रेजेंट है, और यदि वो नहीं होता, येलो ही कलर का रहता है, तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। प्लांट विदाउट क्लोरोफिल, अब ज्यादातर प्लांट, मोस्टली प्लांट में तो क्लोरोफिल होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। प्लांट सच एज मशरूम, मोल्ड्स एक्सेट्रा डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। मशरूम आपने देखा होगा बरसात के मौसम में, क्या है, हम लोग कई बार उसको जब छोटे होते तो उसको क्या कहते हैं, पेड़ के नीचे जहाँ पर कोई खाद बात पड़ी होती है, तो क्या होता है, एक सांप की छतरी जिसको हम जनरली बोलते हैं मशरूम, जैसे एक छाता जैसे बन के निकलता है, वो मशरूम है, और वो कैसे कलर का होता है, ब्राउनिश और वाइट कलर का होता है, उसको कहते हैं मशरूम, और उसमें ग्रीन कलर नहीं है। इसी तरीके से मोल्ड, मोल्ड क्या होता है, वो भी आप अगर अभी बरसात के सीज़न में देखेंगे तो कई पेड़ों की जो बार के ऊपर क्या है, इसी तरीके से सफ़ेद सा कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, किसी दीवारों में ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, वो मोल्ड होता है, इसमें ग्रीन कलर नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होती है। तो ये अपना खाना, क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना नहीं बना सकते, सो दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। सच प्लांट विच कंटेन नो क्लोरोफिल ग्रो नियर द ग्रीन प्लांट्स एंड अदर डेड ऑब्जेक्ट्स सच एज वेस्ट फूड लेदर एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड गेट देयर फूड फ्रॉम देम। अब ऐसे प्लांट्स या तो किसी प्लांट्स के जो ग्रीन प्लांट है उसके पास में होते हैं, या किसी लेदर के ऊपर, या किसी फूड के ऊपर, ठीक है, या प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, इस जगह पे क्या हो जाते हैं, ये प्लांट्स उगाते हैं और अपना फूड ये इन्हीं प्लांट से लेते हैं। तो इस टाइप के प्लांट जिन पे ग्रीन कलर नहीं होता है। इसके अलावा भी एक और इसमें नहीं है, लेकिन एक और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिस पे ग्रीन कलर नहीं है, जैसे कि डूडर, अमरबेल, उस पे भी ग्रीन कलर नहीं होता, येलो कलर की होती है। अब क्योंकि वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर नहीं है, तो किसी दूसरे पेड़ पे जाके क्या हो जाती है, लिपट जाती है, और अपना खाना वो उस पेड़ से रहती है। सम अदर प्लांट्स, सम प्लांट्स डू नॉट बेयर लीव्स, दे प्रिपेयर देयर फूड इन देयर सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। ग्रीन स्टेम ऑफ दिस प्लांट कंटेन क्लोरोफिल, कैक्टस एंड कोकोलोबा आर सच प्लांट्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लीव्स ही नहीं होती हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं, उनका जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, वो उससे ही खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल कैक्टस सबने देखा है, और कोकोलोबा भी ऐसे ही प्लांट्स है जो क्या होता है, कांटेदार प्लांट होता है, और उसमें क्या है, लीव्स नहीं है। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मल्टी कलर्ड, दस कलर हाइट द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ एट द सम प्लेसेस, दैट इज व्हाई दिस प्लांट हैव पार्टली ग्रीन एंड पार्टली नॉन ग्रीन और वेरीगेटेड लीव्स। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके लीव्स कलरफुल होते हैं, ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे लीव्स देखे होंगे जिसमें थोड़ा सा रेड कलर है, येलो कलर है लीव्स के ऊपर, लेकिन साथ में ग्रीन कलर्स भी होता है, बहुत थोड़ा सा है लेकिन ग्रीन कलर है, ठीक है ना। क्रोटोन प्लांट्स आर दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और जनरली क्रोटोन्स, उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे कलरफुल प्लांट्स को क्रोटोन्स कहते हैं, और वो ऐसे ही होते हैं लेकिन उसमें ग्रीन कलर है। लीव्स ऑफ दिस
प्लांट्स ऑल्सो मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, भले थोड़ा है लेकिन ग्रीन कलर है और वो खाना उसी ग्रीन कलर में क्या है, क्लोरोफिल है, तो उससे वो अपना खाना इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर को रीड कीजिए, ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से चैप्टर की रीडिंग भी कीजिए, इसको वीडियो देख के समझिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।